प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, मंत्र यंत्र और तंत्र, मंत्रों के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं और हम विस्तार से हर मंत्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपसे बताते भी रहते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं यंत्र के बारे में। आप सोच रहे होंगे यंत्र क्या होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको यंत्र के बारे में बताऊं और यंत्र का उपयोग और यंत्र से क्या लाभ होते हैं। आप यदि किसी भी देव के यंत्र की स्थापना करते हैं तो किस प्रकार से उनकी शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं, अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप किसी भी देव के यंत्र को अपने घर में स्थापित करेंगे तो उससे आपको पूर्ण लाभ होगा। मैं बताऊं कि यंत्र कैसे तैयार किए जाते हैं और यंत्र क्या होते हैं। किसी भी पात्र पर यदि हम किसी भी देव के बीज अक्षर या बीज अंकों को लिख लेते हैं और उस लिखे हुए पात्र को यदि हम अपने षोडश उपचार यानी अपनी पूजा पद्धति के द्वारा उसको सिद्ध कर लेते हैं और उसके बाद उसको हवन की प्रक्रिया के द्वारा अंतिम रूप से उसको पूर्ण रूप दे देते हैं, तब आप उसे अपने पूजा स्थान पे रखते हैं तो उनसे पूर्ण लाभ होना शुरू होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा किस प्रकार से होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाती है, उस मूर्ति की स्थापना को पहले इसी प्रकार से षोडश उपचार द्वारा हम उसको पूर्ण रूप से उनके पहले सभी दोषों का निवारण करके जहां से वो बनती हैं और उसके बाद उनका पूजन यानी षोडश उपचार द्वारा पूजन करके और उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके तब हवन की परिक्रमा के द्वारा उनको सिद्ध किया, उनको प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तब मंदिर में स्थापित करते हैं। अब हम अपने घर में मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की। आप घर में शीशे की मूर्ति लगाएं, दूसरी मूर्तियां लगाएं, लेकिन जो मूर्तियां मंदिर में प्रतिष्ठित होती हैं वे हम अपने घर में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। तब इन मूर्तियों के स्थान पर जो देव शक्ति काम करती है वो होती है यंत्र शक्ति। इन यंत्रों में दोस्तों उस देव की जो शक्तियां हैं वो इस पूजा पद्धति के द्वारा उसके अंदर एक प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। आपका जो भी पात्र है समझ लेना वो एक उसी मूर्ति का काम करेगा जो मंदिर में मूर्ति लगी हुई है। अब जब आप उस पात्र को अपने मंदिर में कहीं पे भी रख लेते हैं, मंदिर में रखते हैं तो अति उत्तम है। तब उनकी आप ऐसा ना समझें कि हमने यंत्र लिया और रख दिया, नहीं। यदि उनकी नियमित रूप से उसी प्रकार पूजा की जाती है जैसे हम मंदिर में करते हैं, यानी उनके सामने दीप जलाना, अपना अगरबत्ती दिखाना, जो भी हम अपने पूजा स्थान में रखते हैं, तो जो दूसरी मूर्तियां होती हैं उनके साथ में अपने उस यंत्र की भी उसी प्रकार से विधिवत पूजा होती है। यदि आप उनकी पूजा विधिवत रूप से करते हैं तो समझ लेना आप जो मंदिर में पूजा करते हैं उसी प्रकार का फल आप उस यंत्र के द्वारा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आप अपने घर में जिस पर आप विश्वास रखते हैं
उस देव का यंत्र अवश्य स्थापित करें और फिर इसका चमत्कारिक लाभ भी स्वयं देखें। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी वेबसाइट ओम रेमेडीज की भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। छोटी छोटी बातें हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं, देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप इनको करेंगे तो इनसे आपको अपूर्व लाभ प्राप्त होगा। आप इसे करें और इनका पूर्ण लाभ उठाएं। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी वेबसाइट की विजिट भी कर सकते हैं, www.ultimategyan.com। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।